हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कोरल। आज हम कोरल ड्रा पे सीखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पे लोगो दिख रहा हमारा यूनियन बैंक का, हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। हमने इसके पहले आपको बहुत सारे लोगो क्रिएट करने बताए कोरल ड्रा पे। आप अगर आपने अभी तक वो हमारे वीडियोज नहीं देखे तो वो वीडियोज आके जरूर देखिए, ताकि आप भी कोरल आसानी से चला पाए। तो चलिए सीखते हैं कि ये लोगो हमारा कोरल पे कैसे ड्रा होगा, कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं इस लोगो की। अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली के बारे में सीखना है तो आप हमारे वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने आपको पूरे बेसिक से लेकर एडवांस टैली प्राइम के बारे में जानकारी दी है, और साथ में हमने प्रैक्टिकल्स भी बताए हैं। तो अगर आपको टैली के बारे में सीखना है तो आप हमारे स्टार्टिंग से लेकर सभी वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोरल ड्रा के बारे में सीखना है तो आप हमारे स्टार्टिंग से लेकर सारे वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया है। तो अगर आपको सीखना है कोरल ड्रा के बारे में तो आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम सीखते हैं कि आज यूनियन बैंक का लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें ओपन करना अपना सॉफ्टवेयर। क्या करना है, स्टार्ट बटन, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है कोरल। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया कोरल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरल ड्रा 12 आ चुका है। क्या करना है, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर करेगा प्रोसेस और हो चुका है ओपन, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, हमारी विंडो खुल चुकी है कोरल की। क्या करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है, क्या करना है, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, क्या करनी है, हटा देनी है। क्या करना है, व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद शो पे जाएंगे और पेज बॉर्डर हट चुकी है, पेज बॉर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे लोगो हमारा क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा शायद यू, है ना, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यू से ही हमारा यूनियन बैंक का लोगो क्रिएट किया गया, यू और एन से, है ना। तो क्या करना है, यू हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेंगे, ये हमारा टूल बॉक्स। क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें टेक्स्ट टूल का, जिसकी शॉर्टकट बताई जा रही है F8 होती। क्या करना, हमें इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जहां पे हमें टेक्स्ट टाइप करना है वहां पे आके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट लिखना क्या है, यू, हमने यहाँ पे यू टाइप कर दिया। क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू हमारा कुछ इस फॉर्मेट का था, लेकिन ये यू इस फॉर्मेट का है ना। तो करना क्या है, हमें इसकी फैमिली को चेंज कर देना, फॉन्ट फैमिली। क्या करना है, ये होता है फॉन्ट फैमिली चेंज करने का ऑप्शन, फॉन्ट लिस्ट होती है। क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना कौन सा फॉन्ट हमारा लगाया हुआ है। अब जैसे आपको हम ये दिखाएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, ये फॉन्ट है समथिंग। यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा है डेमो। क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो यू था वो इस फॉर्मेट पे आ चुका है, सेम है। लेकिन यहाँ पे ये यू इटैलिक है ना, यहाँ पे हम इटैलिक इसे कैसे करेंगे। चलिए हम इसकी थोड़ी सी हाइट पहले इंक्रीज करते हैं, हाइट इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, इसे इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन होता है लेकिन ये तो लॉक है ना। चलिए हम क्लिक करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इटैलिक करना है। क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक क्लिक फिर से करनी है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, आ गए। नेक्स्ट क्या करना है, ये मिडिल पॉइंट, टॉप का मिडिल पॉइंट हमें पकड़ना है और इसको राइट साइड थोड़ा सा रोटेट कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने थोड़ा सा किया, हल्का सा रोटेट हो गया, इटैलिक हो गया, और थोड़ा सा कर दिया और ज्यादा सा हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, पिक टूल पे फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इटैलिक हो चुका है, सेम है ना। और ज्यादा करना है तो क्या करना है, फिर से क्लिक करना है और आप आसानी से कर सकते हैं, हो रहा है इटैलिक। नेक्स्ट क्या करना है, अब इसी का एक कॉपी करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप में समझ में आ रहा है, हमें यू को एन बनाना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल और प्लस का यूज करते हैं, न्यूमेरिक की का जो प्लस होता है ना। या दूसरा तरीका होता है, हम इसका डुप्लीकेट कर लें, कंट्रोल के साथ डी काम करेगा। क्या करना है, चलिए हम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस, हमने कर लिया कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, कॉपी करने के बाद इसे क्या करना है, ये जो बॉटम का मिडिल पॉइंट है इसे क्या करना है, हमें ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाएंगे, हम ले गए।
यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा यू एन पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, इटैलिक है लेफ्ट साइड को, है ना। हमें क्या करना है, इसको राइट साइड को इटैलिक करना है, जैसे यहाँ पे आपको लोगो पे दिख रहा है ना। क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे। हो गया राइट साइड। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमें उसी सेम फॉरवर्ड पे शिफ्ट कर देना है। नहीं टैली हुआ, कम ज्यादा हो रहा है, तो आप इसे माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी हाइट देनी है, हल्की सी हमने हाइट दे दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा लोगो समथिंग सेम क्रिएट हो रहा है ना। क्या करना है, आप इस पे कलर करना है। कलर करने के लिए क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे जो कलर करना है हमें उसे एक्टिव करना है, हमने उस पर किया क्लिक। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कलर करेंगे कैसे, ये होता है हमारा कलर पैनल, कलर बॉक्स। क्या करना है, जिस कलर को हमें करना है एक बार राइट और एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। अगर आपको अभी भी कलर करना नहीं आया तो हमारे स्टार्टिंग के सारे लेक्चर जरूर देखिए, हमने बहुत सारे लेक्चर्स पे बताया है कि आपको कलर कैसे करना होता है बेसिक से। क्या करना है, नेक्स्ट इस पे रेड कलर करना है, इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो कलर हो फिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम लोगो समथिंग हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखने के लिए क्या करेंगे, ये टेक्स्ट टूल होता है, हमें इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, हमने लिख दिया यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है, इसके साइज को हमने कर दिया इंक्रीज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनियन बैंक, हमारे यूनियन बैंक का साइज बड़ा है और ऑफ इंडिया का साइज छोटा है। क्या करेंगे, इसके फॉन्ट फैमिली भी दोनों की आपस में चेंज है, तो क्या करेंगे, इसके फॉन्ट फैमिली इसको दे देंगे। क्या करना है, यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट फैमिली हो हमें क्लिक कर देना। अब देखते हैं है कौन सी फॉन्ट फैमिली। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी फॉन्ट फैमिली समथिंग है। क्या करना है, हम इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साइज को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहे हैं। हो गया, सेम फॉन्ट फैमिली हमने लगा दी। नेक्स्ट क्या करना है, ये भी हमारे इटैलिक है। क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इसको भी हल्का सा इटैलिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कर दिया इटैलिक। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमें सेंटर पे शिफ्ट कर देना है। अब इसका कलर कौन सा करना है, जो कलर आपको करना है कर देना है, ये हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट क्या, बैंक लिख गया, ऑफ इंडिया लिखना है। ऑफ इंडिया कैसे लिखेंगे, फिर से टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूनियन की मीनिंग हमारी हो चुकी है गलत। क्या करना है, सबसे पहले हम यूनियन की मीनिंग सही करें, यहाँ पे यू रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से हमें टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ऑफ इंडिया लिख दिया, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने कर दिया इंक्रीज। हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट फैमिली इसको हम चिपका देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी फॉन्ट फैमिली कोई दूसरी है हमारी, है ना। चलिए हम इसकी फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे सर्च करते कौन सी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं समथिंग यही फॉन्ट फैमिली हमारी है। क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉन्ट फैमिली हमारी हो चुकी है चेंज, हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ऑफ देख रहे होंगे, ऑफ का जो ओ है वो स्मॉल है लेकिन आई है कैपिटल है, इसे हम कहते हैं कैमल केस। अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर है ना, सेंटेंस केस में लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे लिखा है, या टाइटल केस भी से कहते हैं। क्या करना है, ओ को छोटा करना है, ओ को हमने छोटा कर दिया, लेकिन जैसे हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं ओ बड़ा हो जाता है ना। नेक्स्ट करना क्या, इसको छोटा करने के लिए करना क्या, इसका केस हमें चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, केस को टाइट हमें टेक्स्ट टूल पे जाना है, टेक्स्ट टैब पे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा चेंज केस का, हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लोअर केस मिलेगा, हमें क्या करना है, लोअर केस पे क्लिक कर देना है। अब लोअर केस करने से क्या हुआ, सारे लेटर्स लोअर हो गए, मतलब स्मॉल लेटर। क्या करना है, आई को कैपिटल करना है, आई को क्लिक करेंगे, हटाएंगे और कैपिटल कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल हो चुका है आई और ओ हमारा छोटा हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको रोटेट करना है, थोड़ा सा हमें इटैलिक करना है। क्या करेंगे, हम इटैलिक इसको भी आसानी से कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसको भी इटैलिक कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, इस पर कलर करना है, कलर फिल कर दिया। अब हम इसे कर रहे हैं सेट। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हम हाइट को करते हैं छोटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेम लोगो हो चुका है क्रिएट हो चुका है।
अब क्या करना, हमें इसे सेव करना है। अब हमें इस पे बॉर्डर्स चाहिए, बॉर्डर्स चाहिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारे रेक्टेंगल, ये टूल बॉक्स में हमें एक ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल टूल का, जिसकी शॉर्टकट होती है F6। क्या करना, हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसका अब हमारे पास बॉक्स आ चुका है, क्या करना है, इसकी हाइट और विथ दे देनी है। अब जैसे हम यहाँ पे हाइट और विथ इसको दे रहे हैं, दे दी। अब क्या करना है, इसको हमें फुल स्क्रीन करनी है। फुल स्क्रीन करने के लिए F4 होती है शॉर्टकट, हमने बताया था आपको पहले भी। क्या करना है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्या करना है, अब हमें इसे सेव करना है। क्या करना है, अपने कर्सर को पिक टूल पे लगाना, उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है। अब देखिए, इसको हमें JPG बिटमैप पे सेव करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या एक्सपोर्ट, क्या करना है, एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ E, या दूसरा तरीका होता है फाइल पे जाए, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ E। हमें इस पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक करने के बाद इसको लोकेशन देनी है, जैसे हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फाइल नेम टाइप करना है, किसका, यूनियन बैंक का है, हमने UN डाल दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब हम इसे कर रहे हैं मिनिमाइज, हमने जो सेव किया हुआ है या नहीं, चलिए देखते हैं। हमने किया इसे मिनिमाइज, इसे भी हमने किया मिनिमाइज। यहाँ पे आप देख रहे हैं UN का ये हमारा लोगो हो चुका है क्रिएट। क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, ये यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे लोगो ओपन हो चुका है। यही सेम लोगो अभी हमने क्रिएट किया है ना। आई होप आपको हमारा ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगले वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, कोडिंग पढ़नी या कोई ग्राफिक्स का काम करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम आपको बेसिक्स लेके पूरे एडवांस कंप्यूटर की जानकारी देने वाले हैं। तो आज का हमारे यही टॉपिक है, फिर मिलते हैं कोई अगले नए टॉपिक के साथ। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक के लिए बाय।